गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो आज का दिन शुरू हो रहा है हमारा, दिन नहीं आज का व्लॉग शुरू हो रहा है हमारा। 8:56 है, बल्कि 9 बजने वाले हैं और मेरी सारी क्लास निपट चुकी हैं फिलहाल के लिए। और एक सर तो छुट्टी में, तो वो 9 बजे आते हैं, तो अभी छुट्टी में हूँ। तो एक मैम आ रखी हैं, उनको नया क्लास दे रही है और मैं करूँगा अभी आराम आराम के। मेरी सुबह 6 बजे से लगातार क्लास हो रही है, तो अभी मेरा आराम है, ब्रेक है। फिर इसके बाद मैं जाऊंगा लंच ब्रेकफास्ट लेने, दादी ने बना दिया होगा तो लेने जाऊंगा। अगर नया की तो शायद अभी निपटेगी नहीं, तो मेरे को ही जाना पड़ेगा आज, तो मैं ही जाऊंगा ब्रेकफास्ट लेने। बाकी बस थोड़ा वीडियो एडिटिंग कर रही थी नया, अब मैं करता हूँ उसको आगे कंटिन्यू एडिटिंग। और फिर मिलते हैं आपको, नाश्ता लेके आते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। क्या करते हैं फिर वो दिखाते हैं आपको क्या क्या होगा आज। और इनकी क्लास चल रही है अंदर। सोचो आपकी ट्रेनर नहीं आए, दे दमादम बजाओ। ये नेहा, ये इसकी नाक, ये इसकी आंख, ये इसका मुंह, ये इसके दांत, ये इसका पेट, पेट भी मारो पेट पे। ये ले देख ले भाई, ट्रेनर के प्रति कितना फ्रस्ट्रेशन है देख ले। आई कल नहीं आई भाई, कल नहीं आई तो इनका चल रहा है वर्कआउट। अरे गाना कॉपीराइट आ जाएगा। तो इनका चल रहा है वर्कआउट, तो मैम के साथ ऐसे ही है, थोड़ा हंसी मजाक में चलता है थोड़ा वर्कआउट, बट करते भी अच्छे से हैं और वर्कआउट भी थोड़ा उनके साथ मजा भी आता है, हंसी मजाक अच्छे से हो जाती है। दोस्तों अभी मैडम जी आ चुकी है हमारा, अच्छा सा नाश्ता लगे, कुछ अच्छा ही लाई होगी आज। बहुत टाइम से जो तुमने नहीं खाया। दूध है गाजर का हलवा कर ले, ये तो गाजर का नहीं है, अगर गाजर का लवा दादी ने बनाया, दूध आया था सुबह। चलिए आज गाजर का हलवा बना होगा शायद, मुझे पता नहीं है, दूध मंगाया था मैंने, दादी ने कल रात में गाजर का वो कर दिया था कद्दूकस, तो देखते हैं अभी क्या बना है। और अभी वीडियो एडिटिंग चल रही है और मुझे नींद भी आ रही है, ये बताता है कि तुम कितने कामचोर हो। तो चलो गाइज, मैं उस वीडियो को पूरा एडिट कर लेता हूँ और फिर मिलते हैं नाश्ता करने के बाद, और आपको दिखाते हैं अभी नाश्ते में क्या है, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो आ चुका है नाश्ता, और नाश्ता तो आज बड़ा टेस्टी है, वाह दादी वाह। और नाश्ते में दादी ने बनाया आज हमारे लिए क्या, गाजर का हलवा बनाया है आज हमारे लिए, रोटी और रोटी अचार खाएंगे और फिर गाजर का हलवा खाएंगे विद चाय। तो अभी दोस्तों घर पहुंच चुका हूं जिम से और आराम करेंगे, मुझे तो नींद आ गई थी जिम में ही पता नहीं क्यों आज। और ये तो टीवी देख रहे हैं, बाकी दिन में तो कुछ हम खाते नहीं है, दिन में हमारा ब्रेक रहता है, हमारे पेट का भी और हमारा भी ब्रेक रहता है, तो दिन में हम खाते नहीं हैं। तो अभी आराम करेंगे और अन्य क्या, टीवी क्या देखना चाह रहा, हो गया ख़त्म। सीजन कितने है उसमें, देख रही है 21 सीजन है उसमें। तो ये बात है फिर, बाकी बहुत ही थकान लग रही है। बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रखा आज, धूप आ रखी है। सुबह सुबह तो थोड़ा ठंड रहता है, हल्का ठंडा रहता है, और उसके बाद वो भी 2 दिन से हो रहा है, कल और आज से, नहीं तो ऐसा गर्मी, और दिन में तो गर्मी है, तो यहाँ तो ठंड तो है नहीं, बस गर्मी ही गर्मी है। चलो फिर अभी हम आराम करते हैं और फिर मिलते हैं आपको बाद में। दोस्तों अभी उठ चुके हैं सो के, बस मैम तो तैयार हो चुकी हैं मैडम जी,
उनकी क्लास है और मैं बस अभी सो के उठाऊँ, तो अभी थोड़ी देर देखते हैं क्या करते हैं, चाय वगैरह बनाते हैं, फिर चाय वगैरह पियेंगे क्या, जिम में ले जाऊँगा चाय, फिर चाय पियेंगे वहीं जिम में, क्योंकि वो भी पिएगी, वो भी नहीं तो नहीं पी पाएगी ना अकेले। तो दोस्तों अभी हम जिम पहुँच चुके हैं और अभी यार मैं साथ में आए, चाय भी बना के ले आए हम, बाकी अभी चाय पीते हैं। और आज मैंने सोचा है एक प्रैंक ऐसा करने वाला हूँ मैं कि अभी मैं अपनी जर्सोस मतलब नेहा की दीदी का नंबर दूसरे नाम से सेव करने वाला हूँ और फ़ोन आएगा उसका, तो बाकी फ्लर्टिंग करूँगा मैं उसके साथ, या वो जो भी होगा फ्लर्टिंग वगैरह होगी हमारी हम दोनों की, और नेहा का रिएक्शन देखते हैं क्योंकि उसे पता नहीं चलेगा किसका कॉल है। ठीक है, तो अभी मैं वो नाम चेंज करता हूँ। एडिट। नंबर सेव हो चुका है, अब देखते हैं नया के रिएक्शन, तो अभी कॉल आएगा जब तब करेंगे, अभी चाय रखते हैं पहले। ठीक है, चलो बाय। साल बाद हेलो। हाँ जी, क्या बात, इतने सालों बाद, मजे में, और तुम सुनाओ क्या बात, कैसे याद कर लिया है? अच्छा, और शादी में तो तुम आए नहीं मेरे। एक्स की शादी में नहीं आ सकते थे क्या? वाई की शादी में आते हैं। अरे दिल तो तुम्हें है पर क्या करें, अब बस हो गया जो होना था, लाइफ किस्मत को जो मंजूर था वो मिल गया। तुम्हारी बात कुछ और ही है, बट भूतनी से अब क्या करें, अब भूतनी से कर ली। क्या हो गया, ये बॉक्सिंग लेके आ रही मेरे मान है, क्या हो गया, हंस क्यों रही? हमारी सोनिया अरे हमारा ब्लॉग देखती है, क्या कर रही, पागल है क्या? चाय गिर जाएगी, देख लो चाय है परी भी यहाँ पे, जब तुझे नहीं पता तो रो क्यों रही है, रो मत है भाई, अब तो तेरे से शादी हो रही है ना, क्यों टेंशन ले रही, माँ कसम। अरे यार क्या हो गया, हद रुक तू जा, अब होगी, अब भूत, अब होगी भूतनी से शादी, मैं क्या करूँ, होगी तो होगी, भैया के सामने क्या मतलब है तेरे भैया, अब दिल दिए, अबे दिल क्या, अब दिल तो उसी प्यार रखा ना, अब पहला प्यार तो पहला प्यार होता है, नहीं मत कर यार, क्या कर रही, पहला प्यार होता है, बात करो, बात करोगे क्या मेरी धर्मपत्नी से आप? भाई पहला प्यार तो पहला प्यार होता है ना, तो क्या होता है, पहला प्यार तो पहला प्यार होता है ना, तो ये लड़की तो ठीक, अभी छुपर इस्तेमाल, इसके बारे में नहीं बता सकता ना मैं तेरे को, इसके साथ तो बहुत खतरनाक चला था मेरा, सबको पता है, क्या कह रहे, अरे यार एक तो ये मेरी बहुत, अभी तो मैंने ऐसे भूत बोला, बड़बड़ बड़बड़ करने पर लगी है, बात भी नहीं करने दी, तेरा कोई फ्रेंड का फोन आएगा तो तू बात नहीं करेगी क्या, मेरा बॉयफ्रेंड का कॉल आएगा क्या मुझे तुम, अब इसने कॉल कर दिया, आज तो मैं क्या करूँ, तो मेरी खुशी देख रही है, खुशी का ठिकाना नहीं है मेरा। अरे तू नाराज क्यों हो रही, तेरे दोस्त का फोन आएगा तो मैं नहीं रोकूंगा ना तुझे, तू बात कर लियो, क्या बेइज्जती करेगी, क्या बेइज्जती करेगी। अरे यार वैसे तुम बहुत सुंदर तो बहुत थी यार तुम, पर क्या करे, तुम छोड़ के चले गए तो अब इस पे आ गया, दिल ये मिल गई थी मुझे, शादी
वही आना तो घर ही है, क्या मतलब है? ठीक है ये सुन तो ले, आना घर ही है तो थोड़े टाइम इसके साथ बात कर लेता हूँ ना। गई वो। चलो गाइस आज के लिए बहुत है इतना, अभी बाद में देखते अब बाद में देखते हैं, अभी रुको बाद में देखते हैं, अभी फोन करते हैं मैंने, अभी बाहर जाके लेते हैं मजे। क्या हो गया जब किसी दोस्त का फोन आ गया, पुराने दोस्त का, तो बात नहीं कर सकते उससे? गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी। हाँ तो क्या हुआ दादा? अब तो नहीं है ना, अब तो तेरी से शादी हो रही है ना। और कितनी गर्लफ्रेंड थी? पूरा क्या करना तूने, थी अब थी तो थी, पास्ट हो गया। और किसी का फोन आएगा तो फिर मैं बता दूंगा तेरे को। ना क्यों दो ना ना, चुपचाप से चाय घटक ले, बिस्किट खा ले ना। फोन दो मुझे। क्यों दो? फोन दो। क्यों दो? क्या करना तूने मेरे फोन का आज? मेरे क्या करना तूने फोन का? राज कर रहा हूँ यार, राज कुछ नहीं है फोन में। दो। अरे नहीं दे रहा मैं। तीन। क्या देखना है तुझे? दो बस फोन दो यार, मत कर दो फोन बस। दीदी का नंबर है। किसका नंबर है? रुचि का। किसने कहा? सोनिया। वही तो बोल रहे हैं, ये सोनिया नाम हीरोइन कहाँ से आ गई तुम्हारी लाइफ में? सोनिया कहाँ गई? छोटा आदि फ्रैंक। प्रैंक प्रैंक सक्सेसफुल हो चुका है। अच्छा वो मैंने पीटा नहीं तुम्हें? पीटा नहीं तुम्हें, वो तो फोन दे दिया मैंने, कहा चल छोड़ा रिवील कर देते। प्रैंक सक्सेसफुल। रोने लगी थी पर बच गई। वो तो यहाँ जिम में जरा है मारने की चीज़ें, तो वो दौड़ने तो मार रही थी मेरे को। चलो अभी मेरी चाय ठंडी होने वाली है, चाय पीते हैं। बाय बाय। ले ये कप धो दे यार, अब गुस्सा नहीं होते। चल शादी से तेरे से ही हो रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कप धो दे। ले बिस्किट भी खा ले तू। ले मेरे फोन में क्या कर रही? मैं कब धोके आ जाना, गुस्सा ना हो भाई। सोनिया को मैसेज कर रही हूँ। सोनिया को क्या मैसेज कर रही थी उसको? ब्लॉक कर रही हूँ। कब धोके ले आना, कुछ नहीं होता यार, इतना नाराज नहीं होते, इतना तो चलता है लाइफ में उतार चढ़ाव। एसी बंद मत कर, दिवर से पैर पारा गर्म हो रखा तेरा, ठंडा करने के लिए खोल रखा मैंने वो एसी। कब दो दे यार प्लीज, तो गुस्सा क्यों हो रही? हो गया ना बस, थोड़ा बहुत चलता है भाई लाइफ में। तेरे किसी का फोन आएगा तो फिर तो मत बात कर लियो, तो दोस्त का मतलब मैं नहीं रोकूंगा तुझे बात करने के लिए। दयालो। चलो गाइस कब मुझे बातें लाना पड़ेगा आज, मैडम जी भाई क्या होता है, बवाल हो जाएगा, कई कप मेरे खोपड़े फेंक के मर लिया। चलो फिर प्रैंक मस्त हुआ, देखो आप मजे करो। तो अभी के लिए हमारा प्रैंक तो बढ़िया हो गया, मतलब अच्छा हुआ मेरे हिसाब से, ठीक हुआ। बाकी आप लोग देखो, आप लोग बताओ कैसा लगा आपको प्रैंक, देख ही लिया होगा आपने वैसे तो बताओ कैसा लगा आपको प्रैंक। फिर अगर अच्छी लगी तो हम और करेंगे ऐसे चीज़, एक्सपेरिमेंट करेंगे ऐसी चीज़ों का, ठीक है। बाकी अभी हम जा रहे हैं प्रैक्टिस करने, अभी थोड़ा काम कर रहे थे जिम का तो आज लेट हो गया, थोड़ा 6:30 हो गए, तो अभी प्रैक्टिस करने जाते हैं और फिर मिलते हैं आपको बाद में। चलो जी प्रैक्टिस करने आनो छो जी, चलो जी।
तो दोस्तों हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, देख ही सकते हो आप, पसीना ही पसीना हो चुका है हमें। मेरा तो हाथ दर्द होने लगे। बाकी अभी बस प्रैक्टिस करके आए हैं, थोड़ा पानी पुनी पीते हैं। और मैडम जी क्या हाल देखो, क्या हुआ था? प्रैक्टिस करके तो हो गई ऐसे। मैं भी बाल फिर से बड़े करने वाला हूँ। मैं अपनी एक पुरानी फ़ोटो लगाऊंगा यहाँ पे जिसमें मेरे बाल बड़े थे, वो देखना आप, इधर ही इधर लगा देंगे, ठीक है? एडिटर साहब लगा देना मेरी फ़ोटो। ओके, 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, जब पैसे आएंगे तब ले लियो। तो मेरे को फिर से वैसे ही बाल करने अपने बड़े। चलो अभी थोड़ा पानी पुनी पीते हैं और रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर सांस लेते हैं। 8 तो बजी चुके हैं वैसे, अब मेरा क्लाइंट आने वाला होगा। तो दोस्तों अभी मैं घर आ चुका हूँ और नहा के भी फ्रेश हो चुका हूँ पूरा, मस्त देख ही रहे हो आप, पूरा नहा के बाहर आ चुका हूँ और खाना बन चुका है हमारा, इसलिए मैं बैठा हूँ अपने खाने के स्थान पे। देखते हैं टीवी पे लगाते हैं कुछ स्पेशल, और आज क्या बना है बोल। ये वाव, तो मटर आलू और चावल, क्योंकि हम दिन में तो चावल खाते नहीं आजकल, क्योंकि सुबह देर में नाश्ता होता है 10-10:30 बजे, तो फिर दिन में खाने का मन नहीं करता, इसलिए कभी कभार हम रात में बना देते हैं चावल, जैसे आज बना दिया। तो ऐसी बाकी दादी तो फ़ोन पे बात कर रही है अभी, और मैं लगाता हूँ टीवी में कुछ देखने के लिए, बाकी खाना खाने के बाद मिलते हैं फिर आपको। तो अभी हमारा डिनर भी हो चुका है और हम सोने आ गए, और अभी थोड़ा कॉल पे बात कर रहे थे घर पे, तो बस अभी सोने के लिए जाते हैं। और ब्लॉग तो आपने देख ही लिया है, अगर आपको आज का प्रैंक अच्छा लगा हो तो आप बताइए हमें, और प्रैंक सजेस्ट कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमें वो आप बता सकते हैं कमेंट में। बाकी ब्लॉग को इतना ही रखता हूँ, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।